आज के इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या कहा गया। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको इसमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, इसमें कहा क्या है। अगर कोई दो संख्याएं रही होंगी, ठीक है, मैं मान लो ये पहली संख्या होगी और यहाँ पे क्या है दूसरी संख्या। अगर इन संख्याओं को क्या क्या वर्ग करके जोड़ा जाए तो इन संख्याओं का योग कितना मिल जाएगा, 386 के बराबर मिलेगा। तो यहाँ से आपको कितना 386 है। जबकि इसमें ये कहा गया कि एक संख्या कितना दे दिया, आपको 5 दे दी गई, इनमें से एक संख्या आपको दे दी गई, दूसरी संख्या आपको बताना है। अगर हम लोग मान ले पहली संख्या कितनी है 5 है, कोई भी मान सकते चाहे इसको माने चाहे इसको माने। अगर हम लोग मान ले इसमें से एक संख्या कितनी 5 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। देखिए करने के इस संख्या का वर्ग करके और इस संख्या का वर्ग करके दोनों को जोड़ने के बाद इतना मिला कि नहीं मिला। अगर मैं इसका स्क्वायर करके इसमें से घटा दूं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करके कितना 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, तो ये जाके इसमें से घट जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से घटा लीजिए। अब यहाँ से ये जो दूसरी संख्या होगी ये आपका ये मान है, चाहे तो आप एक्स मान सकते हैं, दूसरी संख्या माना कितना है एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से इसको घटा लेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 361 मिल जाएगा। अब इधर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना 361 है, आपको क्या बताना है एक्स का मान बताना। तो जो ये स्क्वायर है ये कहाँ जाएगा, इसके इधर चल जाएगा, ये कड़ी का काम करेगा तो यहाँ से हट जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगी कड़ी का काम करेगा। अब देखिए सबसे पहले ये चेक करिए 361 किसका स्क्वायर होता है, 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा 19 मिल जाएगा, अर्थात आपको पता चलिए दूसरी संख्या कितनी है 19 है। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इसमें करना क्या है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग आपको दे दिया है जबकि इसमें एक संख्या आपको दे दी है, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या करें हम लोग, करें क्या 5 का स्क्वायर करके इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ से मिले कितना, ये 361 क्या मिले दूसरी संख्या का स्क्वायर है। तो आप ये चेक करिए 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का होता है, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया। यदि दो संख्याओं का योग और अंत तथा अंतर क्रम से कितना 20, 8 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा, आप इसमें ये बताना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो संख्याओं का योग और अंतर आपको दे दिया इतना और इतना है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा, आपको ये बताना, चार ऑप्शन आपको दे दिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, वो संख्या पता करें कि संख्या क्या है। तो पता करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, यहां से दिया कि योग दिया है, आप सबसे पहले यहां से योग लिख दीजिए। योग कितना दोनों संख्याओं का योग, यहां से 20 है और उन संख्याओं का अंतर कितना है 8 है, आप यहां से लिख लीजिए अंतर कितना है 8 है। अगर संख्या पता करना तो मैं आपको बता रहा हूं तरीका, अगर उन्हें बड़ी संख्या पता करना है तो दोनों को जोड़िए और इसका क्या कर लीजिए आधा कर लेंगे। अगर दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे तो आपको बड़ी संख्या पता चल जाएगी कितना, ये 14, अर्थात कह सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कितना आ गई 14 आ गई। अब छोटी संख्या अगर पूछा जाए तो करने के इन दोनों को घटा के आपको क्या करना आधा करना, तो यहां से दोनों को घटा लीजिए तो कितना मिल जाएगी 12। अगर 12 का आधा कर लेंगे तो आपको क्या पता चलेगी छोटी संख्या आपको पता चलेगी कितना, ये 2×6=12। अब संख्या आपको पता चले तो पूछा क्या संख्याओं के वर्गों का अंतर, आपको संख्या पता चलिए तो करने के इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करके अंतर करना आपको क्या जाएगा आंसर है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है और 6 का स्क्वायर कितना हो जाए 36 कह सकते हैं 36। अब संख्याओं का वर्ग भी पता चल गया आपको तो पूछा कि अंतर, तो यहां से घटा लेंगे आपको क्या जाएगा आंसर है। तो यहां से जब घटाएंगे इसका मान कितना मिलेगा 160, अर्थात कह सकते हैं कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन में करना क्या, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर लेंगे आपको एक संख्या पता चलेगी, इन दोनों को अंतर करके क्या करना घटा के दोनों का आधा कर लेंगे आपको दूसरी संख्या पता चलेगी। अब संख्या आपको पता चले तो इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें, यहां से अंतर कर ले आपको क्या जाएगा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि उस वस्तु पर होने वाली 7.5% की हानि को 7.5% लाभ में बदल देती है,
तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि किसी वस्तु को क्या किया, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो उस वस्तु को जो भी बेचने में हानि होती थी 7.5% की, अगर उसमें 3 रुपए बढ़ा के बेचा जाए तो जो हानि हो रही थी ये क्या हो जाएगा, लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूछा क्या उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, आपको यही बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो बहुत ही फास्ट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दोबारा मिले, लाभ और हानि, ठीक है, तो करना क्या, इन दोनों को जोड़ के करना क्या, इसमें भाग दे और 100 से गुणा कर ले, उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चलेगा। मैंने क्या बताया, इन दोनों को जोड़ के इसमें भाग दे 100 से गुणा कर ले, आप क्या जाएगा आंसर, इसको और इसको जोड़ेंगे 7, 7, 14 और आधा आधा मिले कितना 1 हो जाएगा। तो जब पूरे को जोड़े कितना मिले 15 मिले। तो करने के 15 से 3 में क्या करना, आपको भाग देना और उस वस्तु का क्रय मूल्य पता करने के लिए 100 से गुणा कर ले। तो 3 × 5 = 15 हो गया, यहां से काट दिए तो 5 × 2 = 10, अर्थात उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 20 रुपए आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, तो सी ऑप्शन इसका मैच करा, इन दोनों को जोड़ के इसमें भाग दिए 100 से गुणा कर ले, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक कुकर 16% लाभ से बेचा गया, यदि उसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता, तो कुकर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल मैं 1 तरीका बता रहा हूँ जो बहुत ही फास्ट है। देखिए क्या हुआ, कुकर को अगर 16% लाभ पर बेच रहा था, जो भी उसे पैसे मिल रहे थे, अगर वो 20% पे बेचे तो पहले से उसे कितना रुपए अधिक मिल रहा है, 20 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि कुकर का क्रय मूल्य कितना है। तो करना है कि सबसे पहले यहां से देखिए, रुपए में तो कितना 20 रुपए अधिक मिले, तो परसेंटेज में कितना अधिक ये बेच रहा है, मैं देख रहा हूँ कितना परसेंट बेच रहा है, 4% अधिक बेच रहा है, परसेंटेज में इतना बेच रहा है और रुपए में इतना, तो कह सकते हैं 4% = 20 है। तो करना क्या आपको, इस 4 इसमें क्या करना है, 20 में क्या करना है, 4 से भाग दिए 100 से गुणा कर ले, आपको कुकर का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो मैंने क्या बताया, 20 में क्या करना है आपको, 4 से भाग दीजिए और 100 से गुणा कर ले, तो यहां से काटे 4 × 5 = 20 हो गया, अब इसका क्या करना है आपको, गुणा करना है। तो यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना जाए 500 रुपए आ जाएगा, अर्थात उस प्रेशर कुकर का यानी कुकर का क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक व्यापारी सिलाई मशीन पर 2 क्रमिक बट्टे क्रम से 20% तथा 10% देते हुए 7,200 रुपए में बेच देता है, तो मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। आप इस क्वेश्चन को 3 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल मैं करूंगी आपको 1 तरीका बताऊंगा, ठीक है, और दूसरा भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको क्वेश्चन फिगर द्वारा समझा रहा हूं, अगर मैं मान लू ये जो भी मशीन है सिलाई मशीन, इसका अंकित मूल्य यहां से मैंने आपको यहां पे अंकित कर दिया, इसका अंकित मूल्य कितना यहां से, ठीक है, तो इसका अंकित मूल्य जो भी रहा होगा, ठीक है, अब मुझे नहीं पता, अब लेकिन हुआ क्या, मशीन का अंकित मूल्य आपको बताना, तो इसका अंकित मूल्य जो भी रहा मैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पता है कि अंकित मूल्य पर ये क्या कर रहा है, 2 क्रमिक बट्टे दे रहा है, पहली छूट ये कितना दे रहा है, इस पे 20% दे रहा है, और दूसरी छूट कितना दे रहा है, 10%, यानी 10% छूट, मिस ऑफ, ठीक है। अब ये क्या करे, जो भी इसका अंकित मूल्य रहा होगा, इस पर पहली बार कितना छूट दिया 20%, फिर जो भी छूट देने के बाद 20% देने के बाद फिर उस पर क्या कह रहे हैं 10% की और छूट दे रहा है। तो इस तरह से इसका जो भी क्या मशीन है, मशीन कितने रुपए में बिक गई, इतने रुपए में बिक गई। तो आपको ये बताना है कि इस मशीन का अंकित मूल्य कितना, आपको यही बताना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट सॉल्व करिएगा, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए करना क्या, सबसे पहले आप ये प्राइस लिख लीजिए, क्या करना है आपको, ये प्राइस आप यहां से लिख लीजिए। अगर ये 10% की छूट पर बेच रहा है तो कह सकते हैं एक तरह से इसे 10% की हानि हो गई। अब की करने के जो भी ये हानि है और ये भी क्या हानि है, तो इससे पहली वाली छूट देने के बाद उस वस्तु का जो भी फिर से क्रय मूल्य होगा अपने आप, यानी पहली वाली छूट देने के बाद उस वस्तु का जो भी क्रय मूल्य होगा फिर से अपने आप 100% होगा, फिर उसमें 10% की छूट दे रहा है, तो छूट देने के बाद इसका दाम इतना हो जाएगा, कह सकते हैं इसके हिसाब से ये 90% है, तो इसमें 90 से आप भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंकित मूल्य जो भी रहेगा अपने आप पे 100% रहेगा, अगर इसमें से 20% छूट दे रहा है तो दाम कितना ले रही है, 80% ले रहा है, तो 80 से भाग 100 से गुणा कर ले। अब इस पूरे कैलकुलेशन करिए, आपको क्या पता चले, आम मशीन का अंकित मूल्य आपको पता चल जाएगा। तो यहां से 00 से 00 कट गया, अगर मैं इसको काट देखिए कितना मिले, 8 × 72 मिलेगा, ये कितना मिल जाएगा 72 मिलेगा, तो 72 से 72 कट गया, 100 बार आपका कटेगा।
इन सभी का कैलकुलेशन करिए कितना आ जाएगी, 10,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन आपको फिर से समझा इसमें करना है क्या। ठीक है, सबसे पहले जो भी प्राइस दिया आप इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, प्राइस को क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब इससे पहले वाला देखिए कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। अगर हम लोग मान लें जो भी 100% रहा होगा अगर उसमें से 10% की छूट दे रहा है तो दाम कितने के लिए, 90%। तो इसमें 90 से आपको भाग देना और 100 से क्या करना आपको गुणा, और इससे पहले वाली छूट पे चली जाए तो ये 20% की छूट दे रहा, तो कह सकते जो भी मशीन का अंकित मूल्य अपने आप में 100%, अगर उसमें से 20% की छूट दे रहा तो दाम कितने लिया, 80%। आपको करने के इसमें 80 से भाग दीजिए, 100 से गुणा कर ले, इस पूरे को सॉल्व करें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए आ जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 10,000 रुपए, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा।